नमस्कार, आज हम बात करेंगे बाजार मोबाइल ऐप के बारे में जो झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर बात करें बाजार मोबाइल ऐप का उद्देश्य के बारे में तो यहाँ पे देख सकते हो कि लॉकडाउन की अवधि में ग्राहकों को जियो लोकेशन के आधार पर आसपास के दुकानों की उपलब्धता के बारे में जानकारी देना है। ये वैसे दुकान होंगे जो आपके आसपास के क्षेत्र में राशन, फल, सब्जी, दूध एवं दवाइयों का कारोबार करते हैं। और बात करें ऐप को इंस्टॉल करने की, तब इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। झारखंड बाजार ऐप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप जो नीचे QR कोड दिख रहा है इसे स्कैन करके भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और बात करें कि स्कैन कैसे करना है, तो वीडियो पॉज करके भी आप स्कैन कर सकते हो। फिर नीचे डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से भी जाके स्कैन करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आइए जानते हैं इसके बारे में और क्या क्या जानकारी दी गई है। और बात करें उपयोगकर्ता की, इस तो आप जानना चाहोगे कि इसको कौन कौन उपयोग कर सकते हैं, तो इसके दो उपयोगकर्ता होंगे और जो कि बायर होंगे यानी कि ग्राहक इसका उपयोग कर सकते हैं इस ऐप का, और दूसरा दुकानदार। और बात करें ग्राहक के उपयोग करने की विधि के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ग्राहक द्वारा सबसे पहले उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। जो ग्राहक होंगे, अगर आप ग्राहक हैं तो आपको रजिस्टर करना होगा। और रजिस्टर करने की विधि यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल करना है और साइनअप पर जाने के बाद आपको साइनअप टाइप चूज करना है। अगर आप दुकानदार हैं तो आपको मर्चेंट चूज करना होगा, बायर हैं मतलब अगर आप ग्राहक हैं तो बायर को सिलेक्ट करना है। और इसकी जानकारी आप जो मर्चेंट है उसकी जानकारी नीचे देंगे कि कैसे मर्चेंट को रजिस्टर करना है। सबसे पहले बायर के लिए देख लेते हैं, तो साइनअप टाइप पर आपको बायर का चयन करना है। उसके बाद बायर मॉड्यूल से निबंधन करने के लिए निम्नलिखित सूचनाओं की आवश्यकता होगा, यानी कि ये जो डिटेल है आपके पास होना चाहिए रजिस्टर करने के लिए। सबसे पहले जो है ग्राहक का नाम, ग्राहक के पिता का नाम, ग्राहक का मोबाइल नंबर और ग्राहक का परिचय पत्र एवं परिचय पत्र संख्या। उसके बाद आपको देना पड़ेगा ग्राहक की आयु, जो कि 15 से 54 वर्ष तक ही हो सकती है। उसके बाद ग्राहक का वर्तमान जिला एवं वार्ड सेलेक्ट करना होगा आपको। उसके बाद ग्राहक का पता, जो कि जियो लोकेशन के आधार पर सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो है अपना संपूर्ण विवरण दिए जाने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। उसको सही सूचनाओं के आधार पर आपका निबंधन हो जाएगा। दर्ज मोबाइल नंबर पर पासवर्ड SMS के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। लॉगिन करते वक्त आपको बायर लॉगिन टाइप का चयन करना होगा, क्योंकि आपने बायर के तौर पर रजिस्टर किया हुआ है। और उसके बाद बात करें यहाँ पे, जैसे लॉगिन हो जाएगा उसके बाद आपके लोकल में जो आसपास जितने भी निबंधित दुकान हैं उसका ब्यौरा आपको दिख जाएगा। अब आप अपनी आवश्यकता के अनुसार दुकान का चयन कर लें। उसके बाद दुकान के डिटेल्स में गेट डायरेक्शन, कॉल मर्चेंट एवं गेट M-Pass का ऑप्शन आएगा। कॉल मर्चेंट का उपयोग करने पर आप सीधे तौर पर दुकानदार से संपर्क कर सकते हैं। दुकानदार से होम डिलीवरी के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि दुकानदार के पास डिलीवरी के साधन हैं तो आप होम डिलीवरी करा सकते हैं, अन्यथा आप स्वतः जाकर सामान ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने लिए M-Pass प्राप्त करना होगा। और अब आप पूछ सकते हो कि हम ग्राहक हैं, हम M-Pass कैसे प्राप्त करते हैं, तो आइए बताते हैं बायर द्वारा M-Pass प्राप्त करने की विधि। यदि किसी ग्राहक को M-Pass प्राप्त करना है तो उसे गेट M-Pass बटन पर क्लिक करना होगा। साथ ही अपने सुविधा और M-Pass की उपलब्धता के अनुसार टाइम स्लॉट का चयन करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल पर आपका M-Pass उपलब्ध हो जाएगा। M-Pass चयन किए हुए टाइम स्लॉट के दौरान ही उपलब्ध होगा। ग्राहक दिन में किसी भी उपलब्ध टाइम स्लॉट का चयन कर सकते हैं। आप यहाँ पे दो इमेज दिखाए गए हैं, इस पर आप देख सकते हो गेट डायरेक्शन, कॉल मर्चेंट और गेट M-Pass का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखते हो M-Pass कैसे दिखेगा। यहाँ पे एक दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, जो यहाँ पे डाटा दिया गया है उसमें आप देख सकते हो M-Pass कैसे दिखाई देगा। उदाहरण यहाँ पे देख सकते हो, उदाहरण देखकर समझाया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को शाम के 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक के स्लॉट में पास चाहिए, तो वह व्यक्ति प्रातः 8 बजे भी संध्या के उस स्लॉट पास को सुनिश्चित करा सकते हैं। संध्या 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक M-Pass स्वतः ही सक्रिय हो जाएगा, और यह पास सिर्फ और सिर्फ अंकित दिनों, अंकित स्लॉट के लिए ही सक्रिय रहेगा। इसके उपरांत आप इसका उपयोग नहीं कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे M-Pass के बारे में बताया गया कि M-Pass पर निम्नलिखित रंगों का उपयोग किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो हरा, जो कि आरंभ में हरा रहेगा, जो सुरक्षित स्थिति को दर्शाएगा, उसको नारंगी, 1 घंटे के बाद नारंगी, जो कि शीघ्र घर वापसी जाने के लिए सचेत करेगा आपको। उसके बाद तीसरा जो कलर दिखाया जाएगा वो है लाल, जो कि 2 घंटे के पश्चात लाल रंग परिलक्षित होगा। इसका अर्थ है कि M-Pass की अवधि समाप्त हो चुकी है, ऐसी परिस्थिति में बाहर रहने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें अन्य प्रावधान दिए गए हैं, जो कि नगर निगम के लिए प्रति वार्ड प्रतिदिन प्रति टाइम स्लॉट 50 M-Pass का प्रावधान है, और जो नगर परिषद के लिए है
प्रतिवार प्रतिदिन प्रति टाइम स्लॉट जो है वो कुल 30 एम पास का प्रावधान है। नगर पंचायत के लिए प्रतिवार प्रतिदिन प्रति टाइम स्लॉट कुल 15 एम पास का प्रावधान है, जो निर्गत एम पास अंकित गंतव्य और अवधि के लिए ही मान्य होगा। एम पास का दुरुपयोग करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह ऐप हॉटस्पॉट जोन यानी कि कंटेनमेंट जोन में कार्य नहीं करेगा। एक ग्राहक एक दिन में केवल एक ही टाइम स्लॉट का उपयोग कर सकते हैं। एक टाइम स्लॉट के उपयोग के बाद दूसरा टाइम स्लॉट उपलब्ध नहीं होगा। दुकानदार के लिए प्रतिदिन 2 घंटे के लिए जो है एम पास निर्गत हो सके। अब बताते हैं दुकानदार द्वारा उपयोग करने की विधि। अगर आप एक दुकानदार हो, मर्चेंट हो, तो आपको कैसे रजिस्टर करना है अभी सबसे पहले उसको जानते हैं। सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करें और साइनअप पर जाएँ। उसके बाद आपको साइनअप टाइप चूज करना है। जैसे कि मैंने बायर को ग्राहक के लिए सेलेक्ट करने के लिए बताया था, वैसे ही अगर आप दुकानदार हैं तो आपको मर्चेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर देखते हो साइनअप टाइप मर्चेंट चेंज कर लेना है। मर्चेंट मोड में पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित सूचनाओं की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको दुकान का नाम देना है, दुकान का लाइसेंस नंबर डालना है, उसको दुकान का मोबाइल नंबर, दुकान द्वारा निम्नलिखित कैटेगरीज का चयन किया जाना है कि आपका दुकान किस कैटेगरी का है, आपकी दुकान में क्या क्या मिलता है। अगर आपका ग्रोसरी कैटेगरी का है तो आप उसे सेलेक्ट कर लें, मेडिसिन का है तो उसे, अगर आप फल दुकान है आपका तो उसको सेलेक्ट कर लें, वेजिटेबल के लिए तो उसको सेलेक्ट करें, मिल्क का है तो उसको सेलेक्ट करना है। दुकान का वर्तमान जिला एवं वार्ड को आपको चुनना है। उसको दुकान खुलने एवं बंद होने का समय डालना है। उसको दुकान का पता डालना है जो कि जियो लोकेशन के आधार पर पता अंकित किया जाना है। उसको संपूर्ण विवरण दिए जाने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सही सूचनाओं के आधार पर आपका निबंधन हो जाएगा एवं दर्ज मोबाइल नंबर पर पासवर्ड SMS के माध्यम से प्राप्त हो जाए। लॉगिन करते हुए आपको जो लॉगिन टाइप है उसको मर्चेंट लॉगिन टाइप का चयन करना होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन में। उसके बाद आपको लॉगिन टाइप चुनने के बाद मोबाइल संख्या और SMS के माध्यम से आए पासवर्ड द्वारा लॉगिन कर लेना है। मर्चेंट लॉगिन के पश्चात जो है निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं। अगर आप होम डिलीवरी की सुविधा दुकानदार द्वारा दी जा सकती है तो आप डिलीवरी स्टाफ के लिए एम पास निर्गत कर सकते हैं। निबंधन के दौरान दिए गए त्रुटियों डाटा का अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलती कर दी रजिस्ट्रेशन करते टाइम तो उसका सुधार आप कर सकते हैं। उसको देखिए डिलीवरी स्टाफ के एम पास निर्गत करने के लिए ऐड डिलीवरी बॉय बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके उपरांत डिलीवरी स्टाफ का निम्नलिखित ब्यौरा प्रदान करना होगा, जिसमें कि डिलीवरी स्टाफ का नाम देना होगा, उसके उनके पिता का नाम, आयु, परिचय पत्र का प्रमाण प्रकार एवं परिचय पत्र संख्या, डिलीवरी स्टाफ का मोबाइल नंबर, डिलीवरी स्टाफ का पता, वर्तमान वार्ड एवं वर्तमान जिला, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि कैसे क्या होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो एड डिलीवरी ऑप्शन पर क्लिक करो तो यहाँ पे सारे डिटेल्स मांगे जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि करने के बाद यहाँ पे डिलीवरी का डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे नियम और शर्तें दी गई हैं कि कुल 2 डिलीवरी स्टाफ ही की एंट्री की जा सकती है। पास की वैधता जो है प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक की ही होगी। प्रतिदिन के लिए अलग से एम पास निर्गत होंगे। एम पास प्रतिदिन निर्धारित समयावधि के पश्चात स्वतः अमान्य हो जाएगा। पास का दुरुपयोग करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह ऐप हॉटस्पॉट जोन और कंटेनमेंट जोन में कार्य नहीं करेगा। यहाँ पे जिला प्रशासन के लिए कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, जो कि जिला प्रशासन द्वारा नोडल अधिकारी प्रतिनियुक्त किया जाएगा। उसके नोडल अधिकारी को एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा। वेब पोर्टल का उपयोग कर नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिदिन हॉट स्पॉट आइसोलेटेड इलाके का डीएक्टिवेशन सुनिश्चित किया जाएगा। उसको दुकानों की उपलब्धता का दायरा 2 किलोमीटर का होगा। उसको जिला प्रशासन द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि अधिकतम संख्या में बायर मर्चेंट पंजीकृत हो सके। जिला प्रशासन द्वारा घोषित हॉटस्पॉट कंटेनमेंट को वेब पोर्टल पर वार्ड वार अपडेट करना होगा ताकि उस वार्ड में ऐप लागू ना हो। तो बस ये सिंपल सी जानकारी थी झारखंड बाजार ऐप के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।